चेक करो। हेलो नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है और आप देख रहे हैं जेपीएस सिंह का सेंटर पड़ा है राजेंद्र विद्यालय से लाइव। अब परीक्षा खत्म होने वाले हैं, 5 मिनट के अंदर जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर निकलेंगे और हमने लाइव शुरू कर दिया और उनसे बातचीत भी करेंगे और आपको जानकारी देंगे। और ये सबसे आज का अहम और महत्वपूर्ण दिन था, मुद्दा था, इसलिए कि 252 परीक्षार्थी हैं उनके भाग्य का फैसला होगा इस परीक्षा के आधार पर। हालांकि ये जो आज प्रारंभिक परीक्षा था, इसके बाद इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद फिर से जो है मेंस का परीक्षा होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा। और ये भी बता दें कि पूरे 5 साल के बाद जेपीएससी की परीक्षा, देखिए घंटी बज चुकी, आवाज़ आपको आ रही होगी, तो घंटी बज चुकी है मतलब परीक्षा संपन्न हो गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1102 केंद्रों पर पूरे झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा आज हो रही थी और इसके लिए काफ़ी समय से आप देख रहे थे तैयारियां चल रही थी और इसी की वजह से 3 दिन बाकायदा ज़िले में जो टीकाकरण रहा इन केंद्रों पर बंद रहा। तो ये देखिए, और सबसे बड़ा केंद्र यहाँ का रहा, यहाँ 800 परीक्षार्थी दे रहे हैं जो RBS में है। मोबाइल डाटा दीजिए। तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम फिर से जो है इसलिए कि आज 2 पेपर होने थे। आपने सुबह हमने देखा कि 10 से 12, 12 बजे हमने आपको तारापुर स्कूल से दिखाया था, अभी RBS से दिखा रहे हैं। और RBS जो है शहर का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, यहाँ 800 के आसपास में जो है छात्र हैं, जैसा कि 800 जो है छात्र यहाँ पर आज परीक्षा दे रहे हैं। और पूरी अगर पूर्वी सिंहभूम बोले तो आज 101 केंद्र बने थे, जिसमें 90 शहर में और घाटशिला में 11 जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जैसे आपको हम दिखा रहे थे। देखिए यहाँ पर 800, 6 से शुरू है रूम नंबर और 47 मतलब 40 कमरों में परीक्षार्थियों को यहाँ पर बैठाया गया था 2 पाली में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का विषय है युवाओं के लिए, देश के तमाम जो है उन लोगों के लिए। इधर से दिखाइए, इधर से छात्र निकलेंगे। तो ये जो है किस किस वजह से महत्वपूर्ण है, जिससे हम आपकी बात आज दोनों, जब 2 बजे परीक्षा 12 बजे ख़त्म हुआ तब से, फिर ये 2 घंटे का शुरू हुआ था 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। इस परीक्षा में टोटल जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के 44 पद थे, पुलिस सब इंस्पेक्टर के 40 पद थे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के 16 पद, जेल सुपरिटेंडेंट के 2 पद, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर के 65 पद, झारखंड एजुकेशन के 241 पद, जूनियर स्टार, देखिए सारे परीक्षार्थी यहाँ से निकल रहे हैं जिनका परीक्षा संपन्न हुआ। और पूरे देश भर से लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए थे, उनसे हम बात। कैसा रहा आप लोगों का परीक्षा? ठीक है सर, राज्य का परीक्षा हम लोग बहुत बढ़िया से एग्जाम दी है। नहीं, जो पाली पेपर थी इस पेपर में मतलब दोनों सामान्य था कि कुछ तो नहीं सामान्य था, इसलिए पहले में तो लोगों ने बताया कि रिव्यू की वैसा कुछ नहीं सामान्य था। ठीक था, ठीक रहा। तो देखिए पिछले पूरे 5 साल के बाद जो है एग्जाम हो रहा है और सारी परीक्षार्थी, सबसे बड़ा केंद्र शहरी क्षेत्र का ये रहा, आप ये देख रहे हैं। तो ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं, परीक्षा जिसका इसका संपन्न हुआ, और बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर के से लोग आए हुए हैं। तो आप ये देखिए, ठीक ये सामने आपको परीक्षार्थी दिख रहे हैं। कैसा रहा भाई साहब आपका? आइए, ठीक है आप, क्या आपका कौन सा मतलब अटेम्प्ट है, दूसरी या तीसरे बार? ये दूसरा बार है जेपीएससी में।
नहीं फर्स्ट टाइम है मेरा, ये फर्स्ट टाइम चल रहा है। इससे पहले क्या मतलब? इससे पहले बहुत सारा एग्जाम लिखे थे, जैसे रेलवे SSC हुआ। अच्छा, 5 साल के बाद एग्जाम हुआ, उस पर आप लोगों को क्या कहना है JPSC का? ये तो सरकार जाने हम लोग क्या बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो मेहनत किए होंगे उनकी तो उम्र सीमा खत्म हो गई ना। नहीं, एक्चुअली उम्र सीमा इसका JPSC मेरे ख्याल से तो उम्र सीमा तो उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग 4 JPSC जो है, सातवीं बार एग्जाम हो रहा है और आप जुड़ के लोगों को, तो लोगों से बात देखिए सर कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम? ठीक रहा सर, पेपर टूट। JPS जो है 5 साल के बाद जो एग्जाम किया उस पर क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, हर एक साल करना चाहिए, इससे क्या होता है जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट होते हैं उनको वेट करना पड़ता है, हर एक साल करने से थोड़ा सा मतलब कि हर साल मौका मिलता है एक, मतलब जो नया पढ़ा हुआ चीज़ होता है उसको जल्दी प्रेजेंट करने में सहायता। परीक्षा कैसा, पेपर कैसा था इस बार, मतलब क्या सामान्य ये था कि उन्होंने कुछ बनाया? पेपर टू थोड़ा मतलब अच्छा था, पहले के तुलना में पेपर टू थोड़ा टफ था, बाकी पेपर वन ईजी। चलिए ठीक है, देखिए तमाम सारे लोग हैं इसमें, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, महिलाएँ भी हैं जो शादी उम्र ये हो चुकी हैं, तमाम लोग जो नौकरी में हैं। कैसा रहा मैम परीक्षा? ठीक था, एवरेज था, क्वेश्चन पेपर एवरेज था। JPSC इस बार बिना विवाद का आप लोगों का एग्जाम आ जाए, उत्तीर्ण मतलब रिजल्ट आ जाए, ऐसा लग रहा है कि इस बार फिर कहीं ना कहीं? नहीं, कहीं कहीं तो लग रहा है कि कुछ विवाद होने की संभावना है, हम लोग अपना काम किए हैं आगे। नहीं, एज को लेकर लोग बोल रहे थे कि 4-5 साल तो परीक्षा नहीं हुआ, तो वो लोग कुछ लोग जो है ऑब्जेक्शन तो इसीलिए लग रहा है कि एग्जाम यदि एज को उसको अलाउ करेगा तब तो बहुत लोग और आएंगे, तो हो सकता है विवाद हो उसको लेकर, विवाद और कोई विवाद की संभावना तो नहीं नजर आ रही। और हर साल परीक्षा हो उसको लेकर, इसलिए कि 5 साल के बाद JPSC ने पर तो अच्छी इनिशिएटिव है, लेकिन इसको कंटिन्यू रखने का जो हमारा पास्ट हिस्ट्री है वो तो सही नहीं है। अभी तक जितनी छठी हुई है सब विवाद में कोर्ट में कहीं ना कहीं फंसी है, तो इसीलिए ये भी विवाद रहित होगी, ऐसा नहीं है और नेक्स्ट ईयर तक फिर कुछ हो ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद आपका, जैसा हम बता रहे थे जो अनुभव सर आप बताओ कि कैसा है परीक्षा और JPSC के बारे में अनुभव कैसा अभी तक? JPSC का जब ये स्टार्ट हुआ था तो बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ था, लेकिन समय दर समय इसमें क्या हुआ कि इसमें कंटिन्यूटी सही तरीके से नहीं रह सकती, जैसे कि हम और स्टेट के एग्जाम्स में देखते हैं कि कंटिन्यूटी है, यहाँ तक हमारे बिहार को आप देख लीजिए कि अभी हाल के जब कुछ समय पहले की बात कहें तो वो भी बहुत पीछे चला करता था, 62वीं 63वीं 47वीं 48वीं मिलके, अभी आप देखिए वो रेगुलरेट हो चुकी है, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो हम आशा करते हैं कि झारखंड में कम से कम यहाँ से तो इसी तरीके से शुरू किया हो चीज़ें शुरू हो। कितना इन्होंने निकाला था कि आप लोग से, इसलिए कि 44 डिप्टी कलेक्टर इसमें और 4 साल के मिलाकर भी इन्होंने 250 पद निकाला था। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो डिपार्टमेंट से बता सकता है जो कंसर्न डिपार्टमेंट है। नहीं नहीं, ये एक्चुअली जो स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अपना देता है DOPT को कि हमारे पास कितना सीट वैकेंट है, तो इसी हिसाब से इन्होंने सीट निकाला है, लेकिन तब भी बहुत कम है, 4 साल में ये 7वीं से 10वीं मिलाकर 250 सीटें होना बहुत ही कम बात है। सर एक सवाल पूछेंगे, इसलिए कि आप मुलाकात पर लगता है पहले भी आप बहुत सारे अटेम्प्ट कर चुके होंगे, अनुभव? नहीं नहीं, हमने तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टेड हूँ। पोस्टेड है? हाँ जी हाँ जी। इसके बाद भी मतलब आपने JPSC के लिए ट्राई किया? हाँ हाँ, बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कोशिश चलती रहती। एक सवाल हमको पूछना था कि क्या जिस तरह से JPSC की जो छठी परीक्षा अब तक हुई है सभी विवाद में रहा है, कोर्ट में रहा है, तो इस बार भी कहीं लोगों को परीक्षार्थियों को डर लगता है कि विवाद में ना फंस कर मेरा टाइम खराब हो जाए? नहीं, कान उचित रूप से कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें आप देख लीजिए कि ये जो अभी वाला JPSC इन्होंने 2011 के कटअप को फिर 2016 में कर दिया है, तो जो 11 वाले लोग थे वो उनमें तो अभी हमारे माननीय हाईकोर्ट अभी वहाँ पे तो इनका चल भी रहा है केस, और ये शायद 21 तारीख को सुनवाई भी है इनका, इसके बाद क्या होगा कुछ कहने की हरासमेंट वाली बात हो जाती है स्टूडेंटों को। देखिए सारे लोग आ रहे हैं, आइए सर आप भी थोड़ा इधर आइए। धन्यवाद 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 आपको। कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा। पहला अटेम्प्ट था कि? सर नहीं, मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट जी। कहाँ से आए? मैं नवादा से हूँ। नवादा से। इससे पहले बिहार वाला आपने दिया था, JPSC दिया था? जी दिया था। हाँ। मेरा PT हुआ था, फिर वुमेन्स में पेपर देने नहीं गया था।
इस बार कैसा गया है? इस बार बहुत अच्छा गया। उम्मीद मतलब उम्मीद है कि हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? इधर प्रारंभिक था, इसके बाद मेंस होगा फिर। इसके बाद जो है ये प्री था, उसके बाद फिर मेंस की तैयारी में लगेंगे। आपने किसी के लिए दिया? डिप्टी कलेक्टर के लिए आपकी कोशिश है कि नहीं? वो मैं डिप्टी कलेक्टर के लिए दिया, DSP पद के लिए मैंने दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं। इधर भी थोड़ा दिखाइए, देखिए जैसे जैसे परीक्षार्थी दिख रहे हैं आपको दिख रहा हूँ, जैसे हमने बताया कि सबसे बड़ा ये सेंटर है। आइए आइए, आप आपकी बेटी है? हाँ, चलिए अपनी ये बेटी के बात कराना चाहते हैं। देखिए हालांकि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आए हैं और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तमाम आपसे आग्रह है कि इसको शेयर करिए और गवर्नमेंट को जगाइए, जो स्टूडेंट से कह रहे हैं कि एक तो टाइम से आपने परीक्षा लिया तो रिजल्ट जारी कर दिए, दिखाते रहिए, और दूसरा बिना विवाद का जो है परीक्षा को, इसलिए कि अभी तक JPSC का आपने देखा ये 7वीं बार JPSC की परीक्षा हो रही थी, इससे पहले जो 6 बार हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये विवाद हमेशा रहा है, और इस बार 4 बार का मतलब एक ही साथ जो है एग्ज़ाम लिया जा रहा है, एक ही बार मतलब 7वीं से लेकर 11वीं मतलब JPSC की परीक्षा एक साथ मिलाकर लिया जा रहा है। और आप देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं उसी तरह भीड़ रही, अब बहुत सारे बाहर से लोग आए हैं। ये तमाम लोग कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम? हालांकि देखिए लोग बाहर से आए हैं कम भाई, ये लोग परीक्षार्थी हैं, आराम से उतना ही पैसा लीजिएगा जितना तमाम लोगों से ले रहे हैं, ये नहीं कि बाहर से लोग कितना मांग रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? 25 रुपया रेगुलर लगता था। अरे ऐसा मत करिए, स्टूडेंट लोगों से ज़्यादा मत करिए, शहर का आप नाम ना खराब करिए, ठीक है? कैसा रहा आपका परीक्षा? चलिए आपने भी दिया? नहीं नहीं, मैं इनको दिलाने आया था, इन्हीं के साथ आया था। कौन है आपके? ये मेरी फियांसे। ठीक है, अच्छा है, और शुभकामना है कि आपकी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख रही हैं बहुत सारे लोगों का। मैम कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं? JPSC को फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। फर्स्ट जॉब भी करते हैं कि तैयारी ही सिर्फ कर रहे हैं? नहीं, अभी तैयारी ही कर रही हैं। कहाँ से आई हैं? जमशेदपुर से हैं। तब तो अच्छा है कि आपको यहीं पर सेंटर मिल गया। नहीं तो क्या आज घर में ही तैयारी किया कि कोचिंग के सहारे? नहीं, घर पे ही तैयारी। घर पर अपने से सेल्फ स्टडी किया? सेल्फ स्टडी। चलिए, ये पहला आपका अटेम्प्ट था, तो हमारी शुभकामनाएं। देखिए जमशेदपुर से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि झारखंड के लोगों से आप बात नहीं कर रहे हैं, सब बाहर वाले ही मिल रहे हैं। तो देखिए ये जो है जमशेदपुर से हैं। जमशेदपुर में कहाँ से? मानगो में रहती हैं। तो आप देखिए ये लोग भी हैं, तो यहाँ के भी लोग, जैसे अभी कुछ देर पहले रारगोड़ा के हमें मिले थे वो फादर, तो अपनी बेटी को एग्ज़ाम दिलाने दिया आए थे। तो बहुत सारे लोग हैं जो लोग जो इसके बाद देखिए वो प्रचार भी शुरू कर दिया है। क्या चीज़ का प्रचार कर रहा है देखें? देखिए भाई, क्या चीज़ का एग्ज़ाम? BSc सेट जमशेदपुर। फिर किसका ये करवा रहा? अच्छा, इनका, इन्हीं का है मतलब राजेंद्र विद्यालय का जो कॉलेज है उनका ये प्रचार कर रहे हैं, साथ साथ में परीक्षार्थियों को दे रहे हैं। देखिए इधर DSP साहब भी, ट्रैफिक DSP हमारे, कि यहाँ भीड़ जाम ना हो, वो आपको गुजर रहे हैं, लोगों को अनाउंस भी कर रहे हैं कि रोड से गाड़ियाँ हटा लीजिए, परीक्षार्थियों से ज़्यादा पैसा मत लीजिएगा, ठीक है? लोग बाहर से आए हैं, आपसे आग्रह है 40 रुपया मत लीजिए, जैसे रेगुलर लेते हैं 5 रुपया ज़्यादा लीजिए, ऐसा ना करिए, कम से कम थोड़ा सा ये रखिए। ऐसे ही आपका? हाँ बोलिए। हमको कुछ बोलना नहीं? हाँ नहीं, तो ऐसा ना करिए, समझ गए, जो लगता है अगर 25-30 लगता है तो उतना ही लिया कीजिए, ठीक है? ये लोग बहुत दूर से लोग आए हैं, कहाँ से आए आप लोग? हम बिहार से आए हैं, मधुबनी जिला से। कैसा रहा परीक्षा? परीक्षा तो अच्छा रहा, थोड़ा सा सही मतलब, ठीक है उतना ही लीजिए। बनारस से आए हैं, वाराणसी। बढ़िया पेपर रहा, अच्छा लगा। आप लोग कहाँ रुके? आप लोग यहीं साक्षी में जो है होटल लेकर? तो देखिए इसलिए क्या है कि परीक्षार्थी जब संघर्ष करते हैं यही लोग बनेंगे ऑफिसर, ठीक है? तो सही से थोड़ा आप ये लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। तो हालांकि देखिए बहुत सारे लोग स्टूडेंट को देखकर मौका का फ़ायदा उठाने लगते हैं, और अक्सर होता है जैसे रेगुलर देखते हैं कि 25-30 रुपया भाड़ा रहता है, और आज ये लोग 40 रुपया मांगना शुरू कर दिए हैं। इन्होंने भी अच्छा फ़ायदा उठाना, तो आग्रह है जमशेदपुर के भाई बाकी लोगों से कि इस तरीके से जो लोग बाहर से आए हैं, कोई बनारस से आया है, कोई इलाहाबाद से, कोई कानपुर से, कोई बिहार से, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, तो आप इन्हें कम से कम
सेवा करें इस तरीके से, आप ये नहीं कि डबल भाड़ा आपको सुनने लगे, ये भी आग्रह से कि परीक्षार्थी हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो इनके लिए 10 रुपया और जो 15 रुपया आप ज़्यादा ले रहे हैं वो मायने रखता है। ये तमाम परीक्षार्थी लोग हैं, तमाम लोग हैं जिन्होंने परीक्षा देकर संपन्न कर लिया। और आप ये क्या क्वेश्चन पेपर था लिए हुए हैं? यस सर, ये क्वेश्चन पेपर है। ये साथ में मिलता है कि साथ में जमा करवा लेते हैं? नहीं नहीं, साथ में मिल जाता है। एग्जाम मिल जाता है, एग्जाम ओवर होने के बाद क्वेश्चन पेपर दे दिया। अच्छा, अभी आंसर शीट जमा करना है? आंसर शीट। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये मतलब आप बाकी लोगों के, कहाँ से आए हैं? हम बरामेंस। बरामेंस सर, लोकल ही हैं। तब तो आपके पास होगा मतलब आने जाने के लिए कोई साधन नहीं कि आप ही ऑटो पकड़ लें? मेरा भाई का कोऑपरेटिव सेंटर है, तो आई एम वेटिंग फॉर हिम। तो आप दोनों लोगों का यहीं पर सेंटर पड़ गया? हाँ। कैसे तैयारी किया था, कोचिंग से कि आपने खुद से किया? नहीं, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। हाँ। और इसके लिए मैंने खुद से ही तैयारी किया। तो कैसा पेपर, मतलब ज़्यादा उलझा हुआ था कि मतलब था कि आप? क्वेश्चन एक्चुअली उलझा हुआ नहीं था, लेकिन मॉडरेट लेवल था क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल था। अगर अगर मैंने इसकी तैयारी और प्लानिंग के साथ किया होता तो और ज़्यादा बेटर रहता। क्योंकि शुरुआत है तो एक तरह से वो भी है कि एग्ज़ाम का बस झारखंड सर भी हो जाएगी आगे कैसे हमको बस झारखंड सरकार से उम्मीद है कि वो हर साल इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करे। सही बात है। सवाल वही जो हम बार बार करें कि आज 5 साल के बाद हो रहा है और 4 JPSC की परीक्षाएं एक साथ कराई जा रही है और इसमें भी नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही कम रखा गया है, 252 है। आप देख लीजिए, जैसे हमने बताया 3,69,000 लोग जो है जिनको कल जो है एडमिट कार्ड जारी किया गया था, JPSC ने जारी किया था 3,69,000 स्टूडेंट्स का और 1,102 केंद्र पूरे झारखंड में हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ जमशेदपुर में 101 केंद्र थे, शहरी और ग्रामीण मिलाकर, दोनों मिलाकर। तो एक बात भाई जो बार बार हम सवाल उठा रहे हैं तो वही बात, और दूसरा विवाद को लेकर क्या डर लगता है कि मतलब जैसे 6 JPSC की परीक्षाएं हुई सब विवाद में रहा? एक्चुअली हाँ, ये तो इसका पीछे का रीजन तो विवादित ही रहा, लेकिन इसके नेक्स्ट टाइम से मतलब इस तरह का विवाद ना हो इसके लिए मतलब वेल प्लान्ड और अप्रोप्रिएट वे में होना चाहिए और हर साल कंडक्ट होना चाहिए। ये सारे लगता है लोकल हैं, बाकी लोग निकल चुके हैं इसलिए इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए धीरे धीरे यहाँ भीड़ खत्म होने लगा, वही लोग बचे हुए हैं। तो हमारी भी यही आग्रह है और मांग है जो तमाम स्टूडेंट्स ने एक बतनी एक को बताया, एक तो JPSC की जो परीक्षा हो हर साल होनी है तो नियमित हो जैसे बाकी स्टेट में हो रहा है, रिजल्ट टाइम पर हो, बिना विवाद का हो, बेवजह कोर्ट में 5 साल 10 साल तक उलझते रह जाता है तो किसी का उम्र निकल जाता है और किसी का जो है उम्मीद जो है वो परीक्षा देने लायक या इस MA कि कहीं का भी मतलब दूसरे जगह भी वो नौकरी करने लायक इसी उम्मीद में नहीं बचता है। तो सिस्टम का कहीं ना कहीं दोष जो है इन छात्रों पर पड़ता है। तो अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।